नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति ताकत और वोट के हिसाब से घूमती है। जिसके पास जितना वोट उस हिसाब से उसकी ताकत तय की जाती है। लेकिन हालात और समय की मार ने इसे बदल दिया और लड़ाई धर्म जाति और राजनीतिक हवाओं के रूप में चलने लगी और नेता उसका उपयोग कर पाला बदल कर सत्ता की मलाई खाने लगे। एक ऐसे ही नेता है ओपी राजभर। सोशल मीडिया पर ओपी राजभर का वीडियो वायरल। राजभर वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि ऊपर से डांट पड़ी है। कार्यकर्ताओं को अपनी परेशानी सुनाते दिख रहे। राजभर सपा पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। हम डांट सुन रहे हैं, हम डांट सुन रहे हैं। दो हजार 2022 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बना कि पार्टी से लेकर नेता तक सब हड़बड़ा गए और सबको लगने लगा कि अब सपा की सरकार आ जाएगी। फिर सभी मौसम विज्ञानी हलवा पूरी खाने के लिए इधर से उधर जाने को तैयार हो गए और भागने भी लगे। भागने वाले जो बड़े नेता थे उनका नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य, तारा सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह, और जो बीजेपी से गठबंधन छोड़कर भागे उनका नाम था ओपी राजभर। निकलने के बाद इन नेताओं ने इतना बीजेपी और योगी को बोला कि पूछिए मत। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आया और सारे मौसम विज्ञानी धाराशायी हो गए और बीजेपी की जीत पर हाथ मलते रह गए। अब इन नेताओं में इस बात की झटपटाहट होने लगी है कि गलत अनुमान लगा लिया गया तो अब फिर क्या करें। तो कुछ चुनाव बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए तो कुछ मौके की तलाश में लगे हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में कमजोर है। ऐसे में बीजेपी सहयोगी तलाशने लगी है और फिर से इन दल बदलू नेताओं और छोटी पार्टियों की पोबारा हो गई। फिर क्या था, दोनों हाथ में लड्डू और मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत बोरिया बिस्तर बांध गए और उसी का नतीजा है घोसी उपचुनाव। क्योंकि बीजेपी से भागकर आए दारा सिंह चौहान वहीं से विधायक हैं और जब बीजेपी में शामिल हुए तो इस सीट से इस्तीफा दे दिया और इसी विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस सीट पर कमजोर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बाहरी बनाम घर की लड़ाई है और इसमें तारा सिंह चौहान यानी बीजेपी कमजोर पड़ रही है और उसी से परेशान बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और कार्यकर्ताओं से सहयोगियों को अब वो टाइट करने में लगी है। उसी कड़ी में ओपी राजभर पर योगी ने दबाव बनाया। देखिए उनका वायरल वीडियो, फिर बताते हैं असली कहानी। हम डांट सुन रहे हैं, हम डांट सुन रहे हैं, हम डांट सुन रहे हैं। गाड़ी दी गई है, 20 दिन से गाड़ी लेके इसी से जोन में है ये लोग, और आदमियों को हम लगाते गए। ये बताओ हमारा कोई काम है यहाँ? पूरे समाज का ना काम है। इनके साथ शकुंतला राजभर है, लक्ष्मी राजभर है, 5-5, 6-6 नेता यहाँ आए। दूसरी गाड़ी आई कि काम को और आसान किया जाए। मात्र हमको 61 आदमी की जरूरत थी आज, मात्र 61 आदमी की मुझे जरूरत थी। 20 दिन में ये लोग 61 आदमी नहीं तैयार कर पाए, बताओ हमारी कमी है? हम किसके बूते लड़ाई लड़ेंगे? हम गीता जी पर विश्वास न करें, शकुंतला जी पर विश्वास न करें, आप पर न विश्वास करें तो किस पे करें? अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने? तो ये हमारे कदमी नहीं बन रोटी बकारेगा रे, उन्होंने हैया नहीं हो चला। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे? इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुझाव ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा। यही बतिया तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझाने तो बताना चाहिए इन लोगों ने। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? कहीं कोई सवाल नहीं लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे। तो सुन लिया आपने क्या हाल है बड़बोले ओपी राजभर का। आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह से बात करनी पड़ रही है और कितना दबाव है
बीजेपी का इस सीट को जीतना है। वायरल वीडियो में ओम प्रकाश राजभर साफ शब्दों में कार्यकर्ताओं से गाड़ियों का हिसाब मांग रहे हैं और डांट पिला रहे हैं कि भीड़ जुट नहीं रही, ऐसा क्यों है। इसके साथ वीडियो में ये जोड़ रहे हैं कि हमें ऊपर इसका जवाब देना होता है, मुझे डांट पड़ रही है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद सुभाषपा की ओर से इस पर सफाई दी गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि सपा ने वीडियो फ्रस्ट्रेशन में आकर वायरल किया है। अरुण राजभर की माने तो उनके मुताबिक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बूथ अध्यक्षों और सेक्टर अध्यक्षों की बैठक के दौरान उन्हें दी गई जिम्मेदारी और उनके किए गए कामों को लेकर चर्चा हो रही थी। अरुण राजभर का कहना है कि इस वीडियो में कोई सत्यता नहीं है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर बूथ अध्यक्षों की समीक्षा ले रहे थे। बूथ अध्यक्षों की को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें जो संगठन का काम नहीं कर पाए थे उनको समझा रहे थे। कोई नेता किसी को डांट नहीं रहा। इसे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों घोषी उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लड़ाई नाक की बन गई है और घोषी चुनाव की हार का मतलब बीजेपी की हार से निकाला जाएगा, क्योंकि अगर गठबंधन ने जो समर्थन दिया है वो काफी काबिले तारीफ है, लेकिन अगर बीजेपी घोषी चुनाव हार जाती है तो उसे इंडिया की साख को लेकर सवाल करेगी, लेकिन अगर हार होती है तो इंडिया इसको लेकर सवाल खड़े करेगा। अब देखना ये होगा कि इस घोषी उपचुनाव में क्या होता है और किसकी धाक जमती है। लेकिन चुनाव से पहले लड़ाई आर पार की हो चली है। हम एक बार फिर आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि ओपी राजभर कितने दबाव में है। एक बार फिर से वीडियो देखिए। हम डांट सुन रहे हैं। गाड़ी दी गई है, 20 दिन से गाड़ी लेके इसी से जोन में है ये लोग, और आदमियों को हम लगाते गए। ये बताओ हमारा कोई काम है यहाँ? पूरे समाज का ना काम है। इनके साथ शकुंतला राजभर हैं, लक्ष्मी राजभर हैं, 5-5, 6-6 नेता यहाँ आए। दूसरी गाड़ी आई कि काम को और आसान किया जाए। मात्र हमको 61 आदमी की जरूरत थी, आज मात्र 61 आदमी की मुझे जरूरत थी। 20 दिन में ये लोग 61 आदमी नहीं तैयार कर पाए। मतलब हमारी कमी है? हम किसके बूते लड़ाई लड़ेंगे? हम गीता जी पर विश्वास न करें, शकुंतला जी पर विश्वास न करें, आप पर न विश्वास करें तो किसपे करें? अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने? तो ये हमारे कदमी नहीं बन विरोधी बाका रहे, उन्होंने हैया नहीं और चला दूर। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे? इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो? ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुविधा ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा। यही बतिया तो हम समझा, ठीक है आप समझाने तो बताना चाहिए इन लोगों ने। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? कहीं कोई सवाल नहीं है सर, कर रहे हैं 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ। हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे